हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि प्रभा एंड वेलकम टू आवर चैनल कंबाइन सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूँ रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड यूजीसी नेट सिलेबस फॉर कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट्स। तो जो भी एस्पिरेंट्स अभी कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन से एग्जाम देने वाले हैं, आइदर वो नेट एग्जामिनेशन या फिर सेट एग्जामिनेशन 2021 में अपियर होने वाले हैं या फिर 2022 में अपियर होने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। Because I am going to give you the breakup of complete कि what topic are important for unit 1। मैं एक एक करके unit 1, unit 2, unit 3 हर एक topic का important point discuss करूँगी, because this is the last time जो आपको पता होना चाहिए कि what topic are important for each and every unit। तो अगर मैं unit 1 की बात करूँ, that is discrete structure and method optimization, इससे आपके 11 टू 13 क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गेट 2 क्वेश्चन फ्रॉम द मैथमेटिकल लॉजिक, जिसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, डेट इज द क्वांटिफायर्स, प्रेडिकेट्स एंड प्रेडिकेट लॉजिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डेट इज बहुत लेंथी क्वेश्चन आता है एंड यू हैव टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट इन टू दैट एप्लीकेटिव क्वेश्चन, बिकॉज कहीं ना कहीं क्वेश्चन का पैटर्न बहुत चेंज हो गया है जब से आपका एग्जामिनेशन NTA कंडक्ट करा रहा है। तो इन टॉपिक को, इनके बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझिए, सो दैट कि आप उन क्वेश्चन को टैकल कर सके, बिकॉज क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं बट उनका जो क्वेश्चन लिखने का तरीका है वो बहुत टफ हो गया है। ना इफ यू टॉक अबाउट सेट एंड रिलेशन, अगेन इससे 2 क्वेश्चन आता है जिसमें वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछेंगे, वॉट इज सेट, वॉट इज ऑपरेशन, डेट इज यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से हम सेट के ऑपरेशंस करते हैं। देन इसमें अगर आप सेट समझते हो, देन आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए कि रिलेशंस क्या है, उसके बेसिस पे आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, डेट इज 1-to-1 क्या है, 1-to-many क्या है, एंड उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन। तो 2020 में ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन पूछा है आपके इक्विवेलेंस रिलेशन में, इसीलिए फॉर 2021 आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा पार्शियली ऑर्डर, डेट इज पोस्टेड से ऑलरेडी 2019 में क्वेश्चन पूछा है, तो फॉर 2021 आप इसको जरूर तैयार करके जाइए। अगर हम काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी की बात करें, इससे अगेन आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। डेट इज सिंपली अगर हम बात करें तो ए यूनियन बी है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, डेट इज ए प्लस बी, ठीक है, एंड फिर आप यहाँ पे जो भी कॉमन है डेट इज ए में से उतना आप माइनस कर दोगे। तो इस तरीके से आप ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है जो आपको मालूम होना चाहिए। एंड इसमें आपको कभी कभी क्वेश्चन पिजन होल के थ्योरी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपको आना चाहिए, डेट इज परम्यूटेशन क्या है एंड कॉम्बिनेशन क्या है। अगर हम ग्रुप थ्योरी की बात करें तो बहुत लर्नर्स को ये डिफिकल्ट होता है, तो आप इससे भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। सिंपली वो पूछ लेंगे व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज सब ग्रुप एंड व्हाट इज सेमी ग्रुप। तो एक यहाँ पे चार्ट होती है, वो चार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, तो आप इजिली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक ऑफ ग्राफ थ्योरी, डेट इज इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो ग्राफ थ्योरी में बहुत ही एप्लीकेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस आर नॉट वेरी इजी, आपको वो सिंपली पूछ लेंगे ग्राफ कलरिंग प्रॉपर्टी क्या है, बाइपार्टाइट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पैनिंग ट्री जो अगेन डेटा स्ट्रक्चर का भी पार्ट है जिसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हर बार एक पूछा जाता है, आइलर ग्राफ, हैमिल्टोनियन ग्राफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड सर्किट, ये सारे आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंट ईयर में ये देखा गया है आपको कट सेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज इसमें मैं पूरा आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूँगी कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हम बूलियन अलजेब्रा की बात करें तो बूलियन अलजेब्रा अगेन आपके 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, जिसमें आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए एक्सप्रेशन एंड आपको के मैप आना चाहिए, बिकॉज के मैप के इस बार जो क्वेश्चन 2020 में पूछा गया वो क्वेश्चन वॉज वेरी ईजी बट क्वेश्चन वॉज लेंदी। तो आपका टाइम मैनेजमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन, तो उसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। ना ऑप्टिमाइजेशन से ये देखा जा रहा है क्वेश्चन 3 से 4 पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये समझो कि NTA ने ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है आपके एग्जामिनेशन में, आप किसी भी यूनिट को तो नहीं छोड़ सकते एंड किसी भी यूनिट का किसी भी एक टॉपिक को भी छोड़ के मत जाइएगा। कोशिश करिए एटलीस्ट उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले और 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिए, सो डैट आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो आपका इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं प्राइमल के प्रॉपर्टीज़ पे,
ड्यूअल के प्रॉपर्टीज हैं एंड आपको एक सिंपल यहाँ पे ग्राफ सॉल्व करना आना चाहिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ फिजिबल रीजन, व्हाट इज़ कॉर्नर पॉइंट, सो एंड सो। तो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो एंड मोमेंट पे भी आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी वी आर रनिंग आवर कोर्सेज जिसमें हम ये सारे टॉपिक को कवर करते हैं। तो ये होगा यूनिट वन की बात। ओके, नाउ लेट अस टॉक टू अबाउट यूनिट टू, कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। अब कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर, पहले ही स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं कि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, बट इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ये जो पूरा सेक्शन है ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बूलियन अलजेब्रा, मैप सिंप्लीफिकेशन, फ्लिप फ्लॉप काउंटर। तो ये रिसेंट ईयर में देखा गया है, इसे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, बट अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो बहुत बेसिक लेवल का आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लेक्सर क्या है, डी मल्टीप्लेक्सर क्या है, फ्लिप फ्लॉप क्या है, रजिस्टर क्या है, ओके, काउंटर्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद डेटा रिप्रेजेंटेशन। अगेन इससे एक क्वेश्चन, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, इससे एक क्वेश्चन बनता है, एंड ये क्वेश्चंस थोड़े टफ हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये गेट से भी हाई लेवल के क्वेश्चन उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशन, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे RISC एंड CISC, इससे कई बार क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, शिफ्ट ऑपरेशंस पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एंड माइक्रो ऑपरेशंस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगेन आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रजिस्टर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एंड इंटरप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंटरप्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके इस टॉपिक से, तो इसके बहुत ज़्यादा, एक्चुअली UGC नेट का बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो आपको स्पेसिफिक, मैं बता रही हूँ, सिर्फ 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करके जाएंगे तो आप एग्जामिनेशन इजीली क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज आपको एक आइडिया मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप गाइडेंस में लैक कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ प्रोग्रामिंग द बेसिक कंप्यूटर, तो इसमें भी बात करेंगे, इससे आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कहीं ना कहीं ICT का पार्ट हो जाएगा पेपर वन के लिए। तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं आप, तो आपको कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इन सारे टॉपिक्स में आपको ऑलरेडी मालूम है कि वॉट आर दिस टर्म। उसके बाद माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, मैंने पहले ही बताया है, ये आपका CISC एंड RISC में कवर हो जाता है, तो आप इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम CPU की बात करें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट, एड्रेसिंग मोड, IRSC, CISC, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ CPU। उसके बाद ये देखा जा रहा है पाइपलाइन से, एवरी टाइम वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो आप ज़रूर उस क्वेश्चन को किया करिए। एंड इस बार तो एक सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल प्रोसेसिंग, तो इसका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, तो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में अगेन आपका इंटरप्ट, DMA, मोड्स ऑफ ट्रांसफर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेमोरी हायरार्की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर वन एज वेल एज पेपर टू। ठीक है, मेमोरी का सीक्वेंस मालूम होना चाहिए आपको, एसोसिएटिव मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, इनके प्रॉपर्टीज़ मालूम होना चाहिए, कैश मेमोरी के प्रॉपर्टीज़ मालूम होना चाहिए, एंड अगेन ये भी आपका थ्योरी पार्ट है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो आपका कोवा दिखता बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट इससे दो क्वेश्चन से ज़्यादा आपके प्रैक्टिकल नहीं पूछे जाते एंड दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से बेस्ड होते हैं, तो ज़रूर अटेम्प्ट करके आइए। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कोवा में आपको डिफिकल्ट है, तो आप प्लीज़ हमारे बैच कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक, अगेन इससे आपके 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इससे भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ऑन एन एवरेज आपका 10 क्वेश्चन हर यूनिट से पूछ ही लेते हैं वो लोग, है ना। तो इसमें प्रोग्रामिंग इन सी एवरी टाइम आजकल देखा गया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सिंटेक्स पे ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक बार इजिली रिकॉल कर लीजिए सारे सिंटेक्सेस को। एंड कहीं ना कहीं अगर आपने मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में अगर कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ में पढ़ा है, तो आप इसके आउटपुट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बिकॉज 2 क्वेश्चन आपके आउटपुट वाले ज़रूर आते हैं, जिसमें रिकर्शन है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, एरे का कॉन्सेप्ट है, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, तो वो सारी चीज़ों को मिला के क्वेश्चन पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करना शुरू करिए। उसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ये, इस दोनों को मिला के आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वर्चुअल फंक्शन क्या है, ओवरलोडिंग क्या है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको स्टैटिक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको अब्स्ट्रैक्ट
इंटरफेस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो आप ज़रूर इनको कवर करें। ऑलरेडी हमारे चैनल पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्लेलिस्ट है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद वेब प्रोग्रामिंग की बात करें, अगेन इसे 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एवरी टाइम, न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर ग्राफिक का जो वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेज है, आपको लास्ट टाइम पे सिंपली यहाँ पे ये पूछ लिया था कि स्कैन लाइन पॉलीगन, नाम पे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड इस बार उन्होंने क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा है 3D पे, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन में, कि आपको सिंपली मैच द फॉलोइंग करना था। तो इसीलिए आप इस बार के एग्जामिनेशन के लिए 2D का ट्रांसफॉर्मेशन जरूर देख के जाएँ एंड इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएँ, बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप रोटेशन मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हो या फिर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हो या फिर आप अगर स्केलिंग यूज़ कर रहे हैं तो इसके मैट्रिक्स कैसे बनते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस इस बार पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद ये देखा गया कि 3D ऑब्जेक्ट में आपका अगेन प्रोजेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इसके बाद ये सारे टॉपिक से वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखो इस वीडियो में मैंने यहाँ पे सिर्फ यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक कवर किया है एंड ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक भी टॉपिक NTA नहीं छोड़ रहा है। तो आप सारे टॉपिक को, अभी भी आपके पास टाइम है, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम टेबल बनाइए और स्टिक होकर उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। नाउ अगर आपसे हम बात करें तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, UGC NET, यहाँ से UGC NET क्लिक कर सकते हैं। UGC NET पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि एंड मोमेंट पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करिए, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर आप फ्री में पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं गाइडेंस में लैग करते हैं, फिर एग्ज़ाम टाइम में आप पता नहीं कौन से मूड में चले जाते हो तो आपके 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रह जाते हैं एंड एग्जामिनेशन छूट जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ों को डिस्कस कर रही हूँ, तो आप इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं एंड जल्दी ज्वाइन करिए, बिकॉज ऑब्वियसली अगस्त के बाद हम इनरोलमेंट नहीं लेंगे, बिकॉज अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त 31 के बाद कोई इनरोलमेंट नहीं होगा, बिकॉज अक्टूबर में आपका एग्जाम है एंड यू हैव ओनली 1 मंथ लेफ्ट फॉर द कम्प्लीट रिविजन। तो इसलिए सोचिए अपने कैरियर के बारे में, बिकॉज आपसे अच्छा तो कोई नहीं सोच सकता है। एंड आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, चैनल पर आप सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज मैंने डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड MCQ लाना शुरू किया है। एंड आप थोड़ा सा होम सेक्शन पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको ये सारे फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सो एंड सो, तो आप ये सारे वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूंगी, तो प्लीज़ ज़रूर वॉच करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।